जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जिनके पास सरकारी जमीन है 100 कनाल 200 कनाल 400 कनाल, उस जमीन को गवर्नमेंट जो है वो जमीन कवर करेगी। आम पब्लिक के वो जमीन जो है आम जनता के वो काम आ सकती है। वो जो गरीब लोग हैं उन गरीबों लोगों के साथ सरकार खड़ी है, गवर्नर साहब खड़े हैं। किसी का नुकसान नहीं होगा, किसी का मकान नहीं टूटेगा, किसी की दुकान नहीं टूटेगी। आम पब्लिक को हमारी भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी सरकार ने कई करोड़ों घर गरीबों को बना के दिए हैं। वो किसी का घर नहीं तोड़ना चाहते। ये कुछ लोग हैं जो जनता को भड़काने का और लड़ाने का काम करते हैं। हमें इन लोगों के भड़कावे में नहीं आना चाहिए। जो कि जिन बड़े बड़े माफिया या बड़े बड़े जो व्यापार करने वाले जमीन का या जो कि बड़े बड़े लीडर हैं उनके नीचे अगर कोई जमीन सरकारी 200 कनाल 400 कनाल 100 कनाल 50 कनाल है, वो सरकार जमीन उनसे छड़ाएगी, उस पर बाबा का बुलडोजर जो है वो फिरेगा, वो जमीन खाली करवा के कहीं सरकारी स्कूल बन सकते हैं, कहीं पटवार खाना बन सकता है, तहसील बन सकती है, कहीं पंचायत घर बन सकता है, वो कहीं बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड बन सकता है, वो बच्चों आम पब्लिक के काम जो है वो जमीन आ सकती है। वो आम पूरे भारत में आम पब्लिक को उसका फायदा है, वो किसी का नुकसान नहीं है। अगर मान के चलो मेरे नीचे 200 कनाल जमीन सरकार की है, मैं अकेले उस जमीन को कब्जे में लिया है, वो किसी जनता के काम नहीं आ सकती। अगर सरकार मेरे से जमीन लेकर वहाँ ग्राउंड बना देती है, कहीं कोई सरकारी चीज बना देती है, सरकारी स्कूल बना देती है, वो लोगों के काम आ सकता है। ये जमीन बड़े बड़े लोगों से छुड़ा कर गरीबों के काम, आम पब्लिक के काम ये जमीन आ सकती है। ये चिंता करने वाली कोई बात नहीं, किसी गरीब का नुकसान जो है वो नहीं होगा। मैं गवर्नर साहब का धन्यवाद करता हूँ। गवर्नर साहब ने कहा है भाई जो गरीब लोग हैं, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट जी ने भी कहा है, अरविंद रैना जी ने, भाई जो गरीब लोग हैं जिनका मकान है जहाँ 15 मरले में बने हुए हैं, उनके डॉक्यूमेंट बन जाएंगे, उनकी मालकी हो जाएगी, वो अपने घर ही रहेंगे, कोई किसी का नुकसान नहीं होगा। मैं लोगों के आगे अपील करता हूँ, मैं फिर अपील करता हूँ भाई, अगर मेरे जैसे आदमी से 200 कनाल 100 कनाल जमीन छड़ाकर अगर आप लोगों के काम कहीं सरकारी स्कूल के थ्रू या कहीं बच्चे खेलने के लिए ग्राउंड बन सकते हैं, या पटवार खाना बन सकता है, तहसील बन सकती है, या कहीं भी कुछ बनाया जा सकता है, पंचायत घर बन सकते हैं, वो आम पब्लिक के काम वो जमीन जो है वो आ सकती है। किसी गरीब का कोई नुकसान नहीं होने वाला। और जिस जिसके नीचे 15 मरले 18 मरले तक जो जहां मकान बने हुए हैं वो उनके नाम बिल्कुल मालकी होगी। ये गवर्नर साहब ने कहा है, मैं धन्यवाद करता हूं गवर्नर साहब का। ये लोगों ने समझना चाहिए कोई किसी का नुकसान नहीं होगा। सरकार का साथ दो और राजकों को जय हिंद जय भारत जय माता दी।